वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जुगमय एंटरटेनमेंट। सो आज एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मतलब इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में इस वीडियो में बात करने जा रहा हूँ। सो आज की इस वीडियो के टॉपिक है यूट्यूब शॉर्ट्स वीडियो अपलोड करने का टाइम, आप थंबनेल पिक कैसे सेट कर सकते हैं। मतलब कोई भी ब्लॉग वीडियो में तो आप थंबनेल पिक बाद में सेट कर सकते हैं, कोई भी ब्लॉग वीडियो अपलोड करने के बाद में, बट यूट्यूब शॉर्ट वीडियो अपलोड करने के टाइम ही आपको कैसे यूट्यूब शॉर्ट्स का थंबनेल पिक सेट करना है, सो इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल पर नहीं है तो और सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए एंड प्रेस द बेल आइकन ऑल्सो। लेट्स स्टार्ट वीडियो। ऑलरेडी मैं मोबाइल स्क्रीन पर आ चुकी हूँ और आप लोग देखते रहिए वीडियो को। मोबाइल स्क्रीन पे आने के बाद में आपको YouTube में जाना है। सिंपली YouTube को ऑन कर लेना है स्क्रीन पे और प्लस आइकन वाले को क्लिक करना है। जैसे ही प्लस आइकन में क्लिक करते हैं शॉर्ट्स में जाना है और गैलरी से आपका कोई भी शॉर्ट वीडियो एक आप सेलेक्ट कर लीजिए। पहले कोई भी एक शॉर्ट वीडियो सिलेक्ट एंड देन उसके बाद में प्रोसेसिंग हो जाएगा और कोई भी आपका जो पसंद का म्यूज़िक ऐड कर सकते हैं। ऐड म्यूज़िक में जाके जैसे आपका जो भी पसंद का म्यूज़िक है म्यूज़िक ऐड कर लीजिए। जैसे मैंने ये वाला म्यूज़िक ऐड किया, उसके बाद में नेक्स्ट के ऊपर आपको क्लिक करना है। नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है, वीडियो टाइमलाइन में आ गया। उसके जो बाद में वो पेंसिल वाला आइकन दिख रहा है ना लेफ्ट साइड के ऊपर, पेंसिल वाला आइकन के ऊपर क्लिक करना है। आपका अभी जो भी पसंद है मतलब कौन सा आप पिक्सर थंबनेल पिक सेट करना चाहते हो वो आप सेट कर सकते हैं। जैसे ऐसे करके आप सेट करो कोई भी अच्छा वाला, जैसे मैंने ये सिलेक्ट किया, उसके बाद वो ऑलरेडी सेट हो गया थंबनेल पिक। और उसके बाद में आपका जो वीडियो का थंबनेल मतलब पिक तो हो गया, टाइटल जो भी आपका वीडियो का टाइटल है, टाइटल वगैरह आप टेक्स्ट में लगा सकते हैं। उसके बाद आप अपना जो यूट्यूब शॉर्ट वीडियो अपलोड कर सकते हैं। सो यही है एक इजी और आसान तरीका है जो मतलब यूट्यूब शॉर्ट पे थंबनेल लगाने वाला। सो थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।